Welcome you all. Today we are going to discuss chapter number 6, Who I Am. मैं कौन हूँ. So before start, we will discuss about the overview. Yes, in this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. कि इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर जो है हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हमें जो क्या पसंद है और कैसे हम जो है एक दूसरे से अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. कि हम सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है इंटरेस्टिंग रखते हैं, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और हम लोगों को जो अलग अलग चीज़ें ही अच्छी लगती हैं. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट enjoying. कि हमें जो है इस चीज़ में करना है कि हमें क्या पसंद है और कैसे हम enjoy करते हैं. तो अब हम अगर एक क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, इट डजेंट मीन कि 35 जो है सेम जो है उनका इंटरेस्ट रहेगा या सेम उनकी जो है हैबिट्स होंगी. नो, 35 के 35 स्टूडेंट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, उनका लिविंग स्टाइल भी अलग अलग होता है, उनकी लाइक डिसलाइक भी अलग अलग होती है. ऑल आर नॉट सेम, सभी सेम नहीं होते हैं. इवन हम लोग सिबलिंग्स भी होते हैं, अगर घर पर फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं तो हम सबका इंटरेस्ट भी सेम नहीं होता है. किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है तो किसी को सोना पसंद है. तो हर किसी का नेचर, हर किसी की हैबिट, हर किसी के लाइक डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है. तो इस पॉइंट के अंदर, सॉरी इस चैप्टर के अंदर जो है यही चीज़ बताई गई है कि किसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या करना चाहता है. सो लेट स्टार्ट द पार्ट. फर्स्ट इज राधा. यस, राधा कह रही है माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री. फेवरेट मतलब पसंदीदा, एक्टिविटी मतलब क्रिया, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना. कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. कि वहाँ पर मेरे घर के बाहर जो एक मैंगो ट्री है जिस पर चढ़ना मुझे पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी ब्रांचेस जो है स्प्रेड आउट फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो बहुत ही सिंपल है उस पर चढ़ना. And I can sit comfortably in the fork of two branches. Comfortably मतलब आराम से, fork मतलब होता है two branches के बीच जो angle बन रहा होता है, उनके बीच में बैठना मुझे बहुत comfortably लगता है. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. कि मेरी mother कहते हैं कि girls के लिए sensible नहीं है पेड़ पर चढ़ना. But one afternoon she climbed up two. लेकिन एक आफ्टरनून वो खुद भी जो है पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. और उस दिन हमने क्या किया दोनों ने मिलके, टॉकिंग बातें की, ईटिंग रो मैंगोज जो हमने खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और जब मैं हाई अप मतलब बहुत ऊंचाई पर होती हूँ पेड़ पर, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं रूल मतलब राज करना, शासन करना, कि मैं जो है पूरे वर्ल्ड पर जो है शासन करती हूँ, कर रही हूँ. तो अब राधा की एक्टिविटी बताई है कि उसको क्या पसंद है, क्लाइंबिंग ट्री पसंद है, पेड़ पर चढ़ना पसंद है. तो जब वो पेड़ पर चढ़ती है तो उसने बताया कि मुझे क्या फील होता है और मैं कैसे उस एक्टिविटी को इंजॉय करती हूँ. नेक्स्ट इज नासिर. When I grow up, I want to become a seed collector. कि जब मैं grow up मतलब बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ. Want मैंने जाना, become मतलब बनना, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक seed collector. Seed मैंने बीज, collector मतलब संग्रह करता, कि बीज को संग्रह करने वाला. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. Yes, we have cotton fields in our village. कि हमारे वहाँ पर कॉटन के खेत हैं गाँव में. And every year कि प्रत्येक साल
माय फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, कि मेरे पिताजी जो है बहुत सारी मनी स्पेंड करते हैं, व्यय करते हैं उन कॉटन फील्ड पर, ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, कि क्या क्या हमारे कॉटन के फील्ड हैं गांव के अंदर और मेरे पिताजी जो है हर साल बहुत सारी मनी स्पेंड करते हैं क्या करने के लिए, कॉटन प्लांट्स लगाने के लिए जो नई सीड्स को खरीदने पर। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले वी कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ऑन प्लांट, कि हम जो है अपने प्लांट्स से ही बीज जो है कलेक्ट कर लेते थे, मतलब जो उन्होंने फील्ड के अंदर जो भी उन्होंने जो है ग्रो किया, जो उगाया, जो भी उनसे फसल होती है उन्हीं से वो अपने सीड्स को कलेक्ट कर लेते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, और उसी को यूज़ करके वो क्या करते थे नेक्स्ट ईयर न्यू प्लांट्स को जो है लगाते थे। बट टुडे, लेकिन आज दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, लेकिन आज जो है ये चीज़ वर्क नहीं करती, तो हमें जो है हर साल स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, कि हर साल प्रत्येक साल जो है हमें स्पेंड करनी पड़ रही है मनी नए सीड्स खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, कि मैं ये सीखना चाहता हूँ हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि दोबारा से सीड्स की पुनरावृत्ति कैसे किया जाए, मतलब भी उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए ताकि जो है उनको दोबारा जो है यूज़ किया जा सके विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन, कि उन पर जो है बिना मनी स्पेंड किए जो उन बीजों को उन सीड्स को जो है यूज़ किया जाए। तो नासिर की क्या चॉइस है, नासिर का इंटरेस्ट किस में, सीड कलेक्टर बनने में, किस लिए, कि जो है उन सीड्स जो हैं जो अपने ग्रो किया उन्होंने अपने फील्ड के अंदर उसी से जो है सीड्स को स्टोर करे और उन्हीं को रीयूज करे। नेक्स्ट इज रोहित, यस, If I had a huge amount of money, I would travel and travel. कि अगर मेरे पास बहुत सारी मनी होती तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रैवल एंड ट्रैवल, मतलब यात्रा और यात्रा ही करना चाहता हूँ, ट्रैवल ही करना चाहता हूँ। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. कि मैं चाहता हूँ देखना माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड के माउंटेन देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मैगजीन के अंदर उनकी पिक्चर्स देखी है और वो बहुत ही सुंदर हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, कि मैं जो है सेल, कि मैं जो है उस नाव के अंदर नाविक के अंदर बन के जो है वहाँ पर सेल, मतलब अपनी नाव के अंदर जाना चाहता हूँ वहाँ पर जो है रिवर के अंदर, कौन सी, अमेज़न रिवर के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर, ऑन ए राफ्ट पर। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल, कि मैं जो है क्या जाना चाहता हूँ बीचेस, कहाँ पर, लक्षद्वीप के, कि मैं लक्षद्वीप के जो है बीचेस पर जाना चाहता हूँ और डाइव डाउन और नीचे गोता लगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कॉरल को। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, कि मैं कोणार्क टेम्पल ओडिशा के बारे में भी सपोज करता हूँ, और द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना, और ओल्ड सिटी बीजिंग चाइना का भी। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो अपनी चॉइस में वो बता रहे हैं इन इन प्लेसेस पे जाना चाहता हूँ, कहाँ पर, उसने न्यूजीलैंड का बताया, फिर उन्हें जो है अपनी रिवर का बताया, फिर वो कहाँ जाना चाहता है, लक्षद्वीप बीचेस पर जाना चाहता है, कोणार्क टेम्पल जाना चाहता है, चाइना जाना चाहता है, और एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और पिरामिड्स देखना चाहता है इजिप्ट के। बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय सी नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, कि मैं जो वहाँ के नेचर को देखना पसंद करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ आवे है, कि मैं इंजॉय करता हूँ वहाँ की नेचर को देख के रेदर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, बजाय कि ओल्ड बिल्डिंग्स के, कि मुझे ओल्ड बिल्डिंग देखने की बजाय मुझे क्या पसंद है, नेचर पसंद है, प्रकृति देखना पसंद है। नेक्स्ट इज सरबजीत, सरबजीत क्या कहते हैं, वट मेक्स मी वेरी एंग्री वेन पीपल डोंट बिलीव मी, कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है गुस्सा कब आता है, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, एंग्री मीन्स गुस्सा,
बिलीव मतलब विश्वास नहीं करते. वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन जब मैं कब कह रहा हूँ ट्रूथ बोल रहा हूँ, कि मुझे तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब मैं बोल तो सच रहा हूँ लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और मुझे देना वापस देना भूल गया. और आई टेल माई पेरेंट्स, और अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल बॉय हु स्टार्टेड द फाइट. जब मैं मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि फ़ाइट मैंने नहीं, मेरे ओल्ड जो है छोटे वाले भाई ने जो है स्टार्ट की है. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रेयरली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. और तब जब मैं टीचर को ये बोलता हूँ कि मैंने स्टडी की थी टेस्ट के लिए लेकिन मुझे फिर भी बैड मार्क्स आए हैं, कि मतलब कि वो कंडीशंस एग्जांपल दे रहे हैं क्या, कि जब मैं टीचर को ट्रूथ बोल रहा हूँ कि रवि जो है नोटबुक ले गया था लेकिन लौटाना भूल गया, ये मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन वो मुझे बिलीव नहीं कर रहे हैं. फिर मैं मेरे पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि छोटे भाई ने फाइट स्टार्ट की मैंने नहीं की, तब भी वो मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे. फिर कहता है कि मैं मेरे टीचर को बोलता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन तो की थी, जब मार्क्स कम आते हैं तो क्या कहता है कि तब मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन तो की थी फिर भी मार्क्स कम आए हैं. दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. लाइज मैंने झूठ, कि तब वो क्या होता है मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. और उनका जो फेस का लुक होता है मुझे क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़. और समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ अपने शूज़ को देखने लगता हूँ एंड काउंट टू 10 और 10 गिनने लगता हूँ सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री. कि ये दिखाने के लिए कि मैं ये शो नहीं करता कि मैं एंग्री हूँ. तो क्या बता रहा है सरबजीत, कि उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब उसको बिलीव नहीं किया जाता, जब वो सच बोल रहा होता है. और वो कहते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना फेस डाउन करके 10 तक काउंटिंग करता हूँ ताकि मैं अपना एंगर शो ना कर पाऊँ, अपना गुस्सा कंट्रोल कर लूँ. नेक्स्ट इज डोलमा. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगी इंडिया की. पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट. लोग मुझ पर हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ. बट आई एम श्योर, लेकिन मैं क्या हूँ, श्योर हूँ दैट आई विल डू इट, कि मैं इसको करूँगी. एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी वॉट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम. कि सभी मुझसे पूछते हैं मेरी क्लास में कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम क्या करोगी. एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन आई समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल. कि मेरे टीचर्स मुझे ट्रस्ट करते हैं जब भी मैं स्कूल में कुछ करती हूँ जब आवश्यकता होती है. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन. मैं चाहती हूँ सभी के लिए थिंग्स बेटर करना. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल रोड्स एंड स्कूल. कि मैं सभी के लिए जो है चाहती हूँ कि सभी के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हों, रोड्स हों और स्कूल्स हों. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर गुड साइंटिस्ट हों, अच्छे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों जो इन्वेंट करें, इन्वेंट मतलब आविष्कार करें क्योर्स ऑफ डिजीज, जो हमारी बीमारियाँ हैं उनका इलाज जो है फाइंड आउट करें एंड सेंड करें क्या स्पेसशिप मार्स पर. तो डोलमा का विषय है प्राइम मिनिस्टर बनने का. नेक्स्ट वन इज पीटर. पीटर कहते हैं माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. पीटर कहते हैं कि मेरा फेवरेट डे कौन सा है, सेकेंड संडे किसका, प्रत्येक मंथ का. पीटर क्या कह रहे हैं कि मेरा जो है फेवरेट डे कौन सा है, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. ऑन दिस डे इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. कि प्रत्येक दिन जो है हमारी, उस दिन जो है हमारी पूरी फैमिली कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने, फिल्म देखने. माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, कि मेरे पिताजी जो है पहले ही एडवांस में टिकट ले लेते हैं. और माई ग्रैंड फादर, जाता कौन कौन है, माई ग्रैंड फादर मेरे ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स,
माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई एंड आई और मैं टेक द बस, हम लोग बस लेते हैं वहाँ पे, एंड इन द इंटरवेल माई फादर, और इंटरवेल में मेरे पिताजी, इन द इंटरवेल माई फादर, वी इंटरवेल के टाइम मेरे पिताजी बाय द स्पिनर्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द होल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, कि वो पीनट्स लेके आते हैं हमारे लिए, मूंगफली लेके आते हैं, और मुझे बहुत पसंद होता है उस डार्कनेस के अंदर, हॉल के अंदर खाना और मूवी देखना. Afterward, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. ये सब करके जो है हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बड़ा इंजॉय करते हैं, हम एक अच्छे मूड के साथ होते हैं सभी लोग, और हम खुद को बहुत लकी फील करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली के साथ हैं. सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट.